हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ए सेट रेसिपी किचन। जब भी आपका मन कुछ चटपटा तीखा खाने का करे तो इसे ज़रूर बनाइए। जी हाँ, ये है मुंबई का फेमस मिसल पाव। मुंबई में आपको जगह जगह एक वड़ा पाव, दूसरा है मिसल पाव, आपको मिलेगा ही। तो चलिए हम और आप आज मिलकर बनाएंगे चटपटा तीखा मिसल पाव। सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। वैसे तो मसाला आपको रेडीमेड मिल जाएगा, उसल मसाला या गोड़ा मसाला कहते हैं इसे, लेकिन घर में बनाने से इसका टेस्ट और खुशबू दोनों ही अच्छे होते हैं, क्योंकि हम इसे ताज़ा बना रहे हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ सूखा नारियल एक टुकड़ा लिया था, उसके पतले स्लाइस कर लिए थे, उसे पैन में डाल देंगे। इसी में सूखी साबुत मिर्च ली थी 7 से 8, ये भी कश्मीरी लाल मिर्च है, उसे भी डालकर रोस्ट कर लेंगे। 7-8 लहसुन की कलियां ली थी, इसे भी हम डालकर रोस्ट कर लेंगे। 1 टीस्पून धनिया लेंगे, उसको भी रोस्ट कर लेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद तिल डालेंगे, 1/2 टीस्पून सौंफ डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 चक्रफूल डालेंगे, 2 टुकड़े दालचीनी के डालेंगे, 4-5 लौंग और 7-8 काली मिर्च डालेंगे। सभी मसालों को अच्छी तरह कलर चेंज होने तक रोस्ट करेंगे और फिर ठंडा होने पर मिक्सर में डालकर पीस लेंगे। अब सेम पैन लेंगे, उसमें 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है क्योंकि हमें तरी चाहिए। 1 टीस्पून राई डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। सभी मसालों को 1 मिनट तक भूनेंगे। अब एक प्याज को बारीक काट के वो भी डाल देंगे और उसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे और अब इसमें वो सीक्रेट मसाला डालेंगे जो हमने बनाया था, 3 से 4 टेबलस्पून। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है मसाले का, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब मसाला डालकर 2-3 स्पून पानी डालेंगे और अच्छी तरह भूनेंगे और अब हम इसमें 2 टमाटर को बारीक काट कर डाल देंगे। इस तरह मसाले में डाल देंगे। अब इस मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए, क्योंकि इसी से हमारी लाल लाल और टेस्टी तरी बनेगी, क्योंकि मिसल में तरी का ही कमाल है। एक दो मिनट ढककर मसाले को पकाएंगे। उसके बाद इसमें 3 कप पानी डालेंगे क्योंकि हमें रसा ज़्यादा चाहिए। तरी को 1-2 उबाल आने देंगे। देखिए हमारी तरी कितनी अच्छी बनी है। अब इसमें हम उसल डालेंगे। उसल दाल को स्प्राउट करके बनाया जाता है और इसे कई तरह से बनाते हैं। एक तो ये देखिए मैंने बनाया है मोट और हरे मूंग को स्प्राउट करके। कोई 5 तरह के ग्रेन को स्प्राउट करके भी बनाते हैं, जैसे चना, मूंग और लोबिया, वटाना, इन सब को। तो अब हम इसको तरी में डाल देंगे। अब इसे ढक्कन लगाकर 15 मिनट तक रसे में पकने देंगे जब तक ये गल ना जाए, क्योंकि ये भीगे हुए हैं तो जल्दी गल जाते हैं। लीजिए हमारे स्प्राउटेड मिसल बन के तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। लीजिए लाल लाल तरी वाले
बहुत ही टेस्टी हमारे उसल बनके तैयार हैं। चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं।